नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नगाड़ा। क्या आपको पता है कि एक औसत व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 6 महीने से ज्यादा का वक्त टॉयलेट में बिताता है। इसके साथ ही वह हर साल तकरीबन 145 किलो मल त्याग करता है। मतलब यह कि एक औसत व्यक्ति हर साल अपने शरीर के भार के 2 गुना मल त्याग करता है। ऐसे में आप यह समझ सकते हैं कि टॉयलेट में बैठने का सही तरीका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये बात होता है कि हमें से हर कोई टॉयलेट में ठीक से नहीं बैठता है। पश्चिमी देशों में लोग जितनी बार टॉयलेट में जाते हैं औसतन वो वहाँ 114 से 130 सेकेंड बिताते हैं। इसके उलट भारत समेत कई विकासशील देशों में लोग टॉयलेट में उकड़ू होकर मल त्याग करते हैं और महज 51 सेकेंड में निपट लेते हैं। विकासशील देशों के शौचालयों का डिजाइन भी ऐसा होता है कि उसे इस्तेमाल करने के लिए आपको उकड़ू बैठना होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि टॉयलेट में उकड़ू बैठने वाला तरीका सबसे बेहतर है। यही वजह है कि हमें से कई लोग टॉयलेट में बैठने पर तनाव महसूस करते हैं। जब हम टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो हमारी गुदानलिका 90 डिग्री पर होती है, जिससे हमारी मांसपेशियों में खिंचाव होता है। इस तनाव की वजह से कई लोगों को बवासीर, बेहोशी और यहाँ तक कि दौरे आने जैसी तकलीफें भी हो जाती हैं। हमें से बहुत लोग टॉयलेट सीट पर बैठकर गुस्से में इस तरह दांत बीजते हैं। इस दौरान वे इतना जोर लगाते हैं कि हमारे नसें सूख जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा कब्ज, बदहजमी, अपच या पेट की दूसरी दिक्कतों की वजह से भी हो सकता है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपियन शैली के टॉयलेट भी ऐसी समस्याओं के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। अगर आप यूरोपीय शैली के टॉयलेट में बैठते हैं तो अपने घुटनों को 35 डिग्री कोण पर मोड़ लीजिए। इससे आपके पेट और गुद्दा पर जोर कम पड़ेगा और चीजें आसान हो जाएंगी। इसके लिए आप टॉयलेट में एक छोटा सा पायदान रख सकते हैं और अपने पैर इस पर टिका सकते हैं।